नमस्कार मित्र, एक बार फिर से आपके अपने इस गुरुकुल क्लासेस के निशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं कन्हैयालाल गुरु दोस्तों आज फिर से आपके सामने रीजनिंग सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ। तो मित्रों, हमने पिछली कक्षा में रिश्ता परीक्षण टॉपिक पर चर्चा की थी। हमने रिश्ता परीक्षण टॉपिक के बेसिक जानकारी प्राप्त की, उसके बाद में हमने कुछ कंपिटिशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पर भी चर्चा की थी। आज फिर से हम आगे क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर जो विद्यार्थी हमारा ये वीडियो देख रहा है उससे पहले उससे एक विशेष अनुरोध रहेगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देखें। अगर वो वीडियो आप देखोगे तो आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी वीडियो की आपको बेस समझ में नहीं आएगी तो वो वीडियो आगे भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो विशेष अनुरोध रहेगा पहले वो वीडियो जरूर देखें और हमारे वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारा टॉपिक रिश्ता परीक्षण। रिश्ता परीक्षण टॉपिक दोस्तों, इस टॉपिक के क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके लिए एक अच्छा सा मोटिवेशनल थॉट, हर उस चीज के लिए रिस्क लो। मित्रों, हर उस चीज के लिए रिस्क लो जो तुम्हारे सपने सच करने में मदद करे। तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। आप भी साथ साथ में करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अगर आपका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहन है, तो बताइए सी का ए से क्या संबंध है। इस तरफ ध्यान दो। क्या कह रहा है? ए और डी, ए डी का भाई है, यानी ए है जो डी का भाई है, यानी हमारे को ये पता है कि ए है जो एक पुरुष है, यानी हम इसे प्लस के निशान से डिनोट करेंगे। ये हमने पिछली कक्षा में आपको बता दिया। आगे क्या कह रहा है? अब हमें ये पता नहीं है कि डी ए का भाई है या बहन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है डी बी का पिता, यानी डी है जो बी का पिता। अब हमें पता चल गया है कि डी बी एक पुरुष है, यानी बी का पिता है, तो बी यानी पुत्र है, तो अंडर जनरेशन यानी नीचे की तरफ दर्शाएंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा बी। डी पिता है तो हम इसे प्लस के निशान से प्रदर्शित करते हैं, और बी और सी बहन है, यानी बी और सी दोनों बहन है, यानी हमें इनका भी जेंडर पता चल गया, यानी ये महिला है, तो हम इसे माइनस के निशान से डिनोट कर देंगे। आगे हमें पूछ रहा है सी का ए से क्या संबंध है, यानी सी का ए से क्या संबंध है हमें पढ़ना है। पूछा है सी का यानी उसका बताना है कि वो उसके ए से किस प्रकार संबंधित है। तो ए का सी से, यानी सी ए के क्या लगेगा। ऑप्शन क्या क्या दे रखे? चचेरी बहन, यानी अपने भाई की पुत्री है, यानी चचेरी बहन तो होगी नहीं, यानी पहला ऑप्शन तो डिलीट। दूसरा क्या कह रहा है? भतीजी, यानी अपने भाई की लड़की हमारी क्या लगेगी? भतीजी, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन एकदम राइट बता रहा है। आगे ऑप्शन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन या दूसरे में ही आंसर निकल गया है। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा यानी ए की सी भतीजी लगेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा भतीजी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, ले लिया, व्हाट्सएप करता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अच्छी तरीके से आपको पहले समझना है कि क्वेश्चन की शैली क्या कह रही है, उसके बारे में फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन की शैली समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन आसानी से हल कर लोगे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दोनों भाई, सी ए का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो बताइए डी का ई से क्या संबंध है, यानी डी का ई से क्या रिश्ता है, यानी डी क्या लगेगा ई के, इसके बारे में हमें पूछा है। तो दोस्तों हम सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है, ए और बी भाई है, यानी ए और बी दोनों भाई है, यानी इनका जेंडर पुरुष है, तो प्लस के निशान से डिनोट करते हैं। आगे कह रहा है कि सी ए का पिता, यानी सी है जो ए का पिता है, यानी पिता है सी ए का, तो यानी अपर जनरेशन, यानी ऊपर की ओर डिनोट करेंगे, यानी पिता है तो ऊपर, ये हो गया सी ए का पिता, यानी ये हो गया सी ए का पिता। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है यानी ये पिता है तो हमें इसे भी प्लस के निशान से डिनोट करेंगे। आगे कह रहा है डी सी का पिता, यानी डी है जो सी का पिता, यानी इससे भी ऊपर, यानी ये हो गया हमारा डी सी का पिता, यानी ये भी प्लस के निशान से डिनोट करेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ई है जो बी का पुत्र है, यानी ये ना हमारा बी बी का पुत्र है ई, यानी पुत्र है तो हम नीचे वाले जनरेशन में उसे प्रदर्शित करते हैं, यानी पुत्र है तो ये आ गया ई, पुत्र है तो हम इसे प्लस के निशान से डिनोट करेंगे, यानी ई बी का पुत्र है, हो गया। आगे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताइए डी का ई से क्या संबंध है, यानी डी का, यानी हमने बताया था, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है डी का एस ई से क्या संबंध है, यानी का होता है उसके बारे में बताना होता है, जिसके पीछे का लगा होता है उसके बारे में हमको बताना है, यानी उसका पूछ रहा है। तो हमने पूछा है डी का ई से क्या संबंध है, यानी डी का ई से क्या संबंध, यानी डी क्या लगेगा ई के, डी क्या लगेगा ई के, तो ई का पिता, पिता के भाई, भाई का पिता, यानी ए का पिता है जो बी का भी पिता होगा, यानी इन दोनों का पिता हो गया सी, सी का पिता डी, यानी अपने बेटे के बेटे, यानी ये हो गया पोता, पोते का भाई, यानी वो भी पोता हो गया और पोते का बेटा, यानी इसके क्या लगेगा पर पोता, ये अगर ये पर पोता लगेगा तो हम ये आंसर नहीं कह सकते दोस्तों कि ये पर पोता होगा, यानी ये आंसर हम नहीं दे सकते, यानी हमें पूछा है डी का ई से क्या संबंध है, यानी डी का ई से क्या संबंध है, यानी ये क्या लगा ई के डी क्या लगता है, यानी अपने पिता के पिता के पिता, यानी अपना पिता बी, बी का पिता सी, सी के पिता डी, यानी परदादा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें परदादा। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि किसका पूछ रहा है, यानी इसमें पूछ रहा है डी का ई से क्या संबंध है, यानी डी क्या लगेगा ई के, तो ये बताना है हमको, तो डी लगेगा ई के परदादा, इसका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों जल्दबाजी में यह आंसर मत देना, दे देना पर पोता, क्योंकि आप ऐसे मत कर देना ये बी पढ़ा उसके आगे परदादा पढ़े नहीं, ये आंसर मत दे देना, इसका आंसर होगा परदादा, यानी किसके बारे में पूछना है उसका आंसर देना है। हमें पूछा है डी का ई से क्या संबंध है, यानी से का की ओर चलना है, यानी से का की ओर चलेंगे तो इसके आंसर हो जाएगा हमारा परदादा। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन की शैली क्या कह रही, आपको क्वेश्चन की शैली समझ में आ गई तो क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लोगे। दोस्तों इधर ध्यान दो, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, वो मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है, तो इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है। दोस्तों इस तरफ ध्यान दो, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक कोई महिला है, ये कोई महिला है, महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल कहता है, ये हो गया हमारा
निर्मल। निर्मल कहता है एक महिला की ओर संकेत करते हुए कि वो मेरी पत्नी, यानी ये हो गई इसकी पत्नी, ये हो गई निर्मल की पत्नी। पत्नी है तो आपको पता ही है माइनस का निशान से और इसे प्लस का निशान से डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमारा क्वेश्चन कहना है कि निर्मल की वो पत्नी है, ठीक है। पत्नी के दादा यानी पत्नी का पिता, ये हो गया पिता, यानी प्लस के निशान से डिनोट करेंगे, और इसका भी पिता यानी इसकी निर्मल की पत्नी का हो जाएगा ये दादा, ठीक है। निर्मल की पत्नी के दादा की एकमात्र संतान, यानी ये दादा उसकी ये एकमात्र संतान, ये एकमात्र संतान हो गई और ये हो गया दादा निर्मल की पत्नी का, ठीक है। एकमात्र संतान की पुत्री है, यानी एकमात्र संतान की पुत्री है, यानी ये हो गई पुत्री। तो ये पत्नी पुत्री कौन हो गई, जो महिला की ओर संकेत कर रहा था निर्मल, ये वही पुत्री होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, और देखो दोस्तों ऑप्शन में एक ये भी दे रखा है ऑप्शन कि जानकारी अधूरी है, यानी पत्नी भी दे रखा है, बाप भी दे रखा है, बहन दे रखा है, और जानकारी अधूरी। तो दोस्तों इसके अलावा एक डायग्राम और बनेगा, वो कैसे बनेगा देखते हैं हम। इधर देखो एक डायग्राम और बने, एक डायग्राम ये बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो इसमें पत्नी आ रही है, यानी निर्मल की पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री निर्मल की पत्नी लग रही है, ठीक है। और एक हमारा डायग्राम और बनेगा, ये कोई लड़की है, यानी ये महिला है जिसकी ओर निर्मल संकेत करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा निर्मल, ये हो गया निर्मल, ये हो गई महिला। आगे कह रहा है निर्मल ने कहा वो मेरी पत्नी, यानी ये उसकी पत्नी, पत्नी के दादा यानी इसका पिता, ये पिता के पिता यानी हो गया उसकी पत्नी का दादा, दादा की एकमात्र संतान यानी ये हो गई एकमात्र संतान, एकमात्र संतान की पुत्री, यानी क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि वो इकलौती पुत्री, उसमें ये दे रखा है कि उसकी पुत्री यानी उसकी पत्नी, पत्नी के अलावा उसकी एक पुत्री और भी हो सकती है। हमारे को क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि वो एकमात्र पुत्री है यानी इकलौती पुत्री है, तो हम उसे यह बनाएंगे, यानी ये इसकी बहन हो जाएगी। तो यानी ये हो गई महिला है जो पत्नी की बहन भी हो सकती है, तो निर्मल से किस प्रकार से संबंधित है, यानी ये पूछा है कि महिला का निर्मल से क्या संबंध है, यानी महिला का निर्मल से क्या संबंध है, तो महिला का पूछ रहा है, तो यानी निर्मल उस महिला से किस प्रकार से संबंध रखता है, यानी ये इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो हो जाएगी साली, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हो जाएगी पत्नी। तो हमें इसमें पत्नी दे रखा है दोस्तों, पत्नी तो ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि दो डायग्राम बनेंगे, हमारे पास जानकारी अधूरी है, भाभी होगा नहीं, बहन होगा नहीं, इसमें डी ऑप्शन दे रखा है जानकारी अधूरी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जानकारी अधूरी, क्योंकि दोस्तों इसमें दो डायग्राम बनेंगे। क्वेश्चन में हमारे को ये नहीं दे रखा है कि वो एकमात्र संतान की इकलौती पुत्री है, यानी इकलौती पुत्री नहीं दे रखा हो तो उसकी वो साली भी हो सकती है और पत्नी भी हो सकती है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं डेफिनेटली कि वो पत्नी ही होगी या साली ही होगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जानकारी अधूरी। दोस्तों एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीन शॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, आप 10 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन सरल सरल करने की बजाय ऐसे 10 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये रहा हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अच्छे से आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन की शैली समझ में आ गई, तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए की माता बी की बहन है, ए की माता बी की बहन है और उसकी पुत्री सी जो 16 वर्ष की है, तो बी किस प्रकार सी से संबंधित है। दोस्तों हमारे पास ऑप्शन दे रखा है मामा,
बी दे रखा है मातृवस मामा, सी दे रखा है भतीजी, डी दे रखा है पुत्री, और ई दे रखा है हमारे इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसका। शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। एक ही माता यानी ये ए है, एक ही माता यानी ऊपर की जनरेशन, ये एक ही माता है कोई, यानी माइनस के निशान से डिनोट कर दिया हमने। एक ही माता बी की बहन है, एक ही माता है जो बी की बहन है, यानी ये हो गया बी। एक ही माता बी की बहन है। दोस्तों हमें ये पता नहीं है अभी तक कि बी का जेंडर मेल है या फीमेल, यानी बी एक ही माता की बहन है या भाई है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसकी पुत्री। दोस्तों हमने पिछली कक्षा में बताया था और किसके लिए प्रयुक्त होता है, याद हो तो गुड, यानी और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयुक्त होता है, यानी ए के बारे में बता रहा है, यानी और उसकी पुत्री सी 16 वर्ष की है, यानी ए की पुत्री सी। तो या नीचे की जनरेशन यानी ये हो गई सी, यानी पुत्री है हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि एक की पुत्री सी है, यानी ये हो गई माइनस के निशान से हमने नोट कर दिया। लेकिन दोस्तों अभी तक हमें ये पता नहीं ए का जेंडर मेल है या फीमेल, यानी पुरुष है या महिला, हमारे को क्वेश्चन में ये देर नहीं रखा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है तो बी किस प्रकार सी से संबंधित है, बी किस प्रकार सी से संबंधित है, यानी बी का बारे में पूछ रहे हैं, यानी सी का बी क्या लगेगा, इसके बारे में पूछ रहे हैं, यानी क्या लगेगा। दोस्तों यानी ये हो गई एक ही पुत्री, यानी ये इसका जेंडर हमें पता नहीं, यानी ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अपने खुद के माता या पिता की माता, अपने माता की माता यानी हमारे हो गई नानी, नानी का अभी ये भाई है या बहन, हमें इसका अभी तक जेंडर पता नहीं है, इसका भी जेंडर पता नहीं, इसका भी जेंडर पता नहीं। और अगर हम इस प्रकार से देखें, यानी ये मातृवंश के बारे में देखें, हम पितृवंश के बारे में देखें, यानी ये उस सी का पिता है, पिता की माता यानी दादी, दादी का भी या भाई या बहन, यानी पितृवंश के बारे में बताया। तो ऑप्शन देखते हैं, यानी मामा दे रखा है, मामा तो होगा नहीं दोस्तों, अपने माता या पिता की माता, यानी ये तो ऊपर की जनरेशन में आ जाएगा, अगर यह होता तो हमारे मामा होता, यानी पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, मातृवंश मामा। दोस्तों मातृवंश मामा से पहले हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, भतीजी, भतीजी होगा नहीं, पुत्री, पुत्री भी होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से कोई नहीं ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास बी ऑप्शन दे रखा है मातृवंश मामा, यानी अब ये बता रहे हैं कि मातृवंश यानी मम्मी की तरफ से रिलेशन बता रहे हैं, यानी हम ए को यानी महिला मानेंगे, यानी सी की माता, माता की माता यानी नानी, नानी की अब ये भाई है या बहन है, हमें ये तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं मातृवंश मामा, यानी अपने माता की मम्मी का भाई, यानी हमारे क्या लगेगा, यानी मम्मी का रिलेशन बता रहे हैं, तो हमारे ये वो मामा लगेगा, यानी इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा मातृवंश मामा। दोस्तों यानी बी ऑप्शन सही होगा, यानी सी का बी क्या लगेगा, मातृवंश मामा, यानी मम्मी की तरफ रिलेशन बता रहा है। हमारे पास ए का भी जेंडर नहीं दे रखा और बी का भी जेंडर नहीं दे रखा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में ये दे रखा है कि वो मातृवंश मामा यानी मम्मी की तरफ रिलेशन बता रहा है। दोस्तों एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, वो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है, वो महिला राम की रिश्ते में क्या है, यानी उस महिला का राम से क्या रिश्ता है। दोस्तों इस तरफ ध्यान, यानी
ये कोई एक फोटो है। ये कोई फोटो है, फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए का, यानी फोटो है जो एक महिला है, यानी माइनस के निशान से इसे डिनोट कर देते हैं, यानी ये फीमेल है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, संकेत करते हुए राम ने कहा, ये हो गया राम, राम ने कहा वो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है, यानी राम का पिता, ये हो गया राम का पिता, राम का पिता का पिता, यानी राम का हो जाएगा दादा, ये हो गया राम का दादा, दादा के एकमात्र पुत्र, यानी एकमात्र पुत्र, पुत्र की लड़की, यानी ये राम हो गया लड़का, लड़की का बोल रहे हैं, यानी इसकी ये हो जाएगी बहन, यानी ये हो गई लड़की, दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की, यानी लड़की की लड़की, यानी इस लड़की की बेटी, यानी नीचे की जनरेशन, ये हो गई लड़की। क्वेश्चन के हिसाब से एक मिनट वापस देखो, एक फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा वह मेरे दादा यानी पिता, पिता का पिता, राम का दादा, मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, यानी उसके दादा का पुत्र, यानी राम का पिता, पिता की लड़की, यानी राम की बहन हो जाएगी, लड़की की लड़की, राम, वो महिला राम की रिश्ते में क्या लगेगी, यानी ये महिला राम के रिश्ते में क्या लगेगी, यानी जो ये लड़की है वही लड़की इस फोटो में दर्शाई गई है, यानी राम ने इसी लड़की की ओर इशारा किया या संकेत किया, तो यानी ये लड़की राम की क्या लगेगी, यानी अब देखो ये लड़की है, लड़की की माता, माता का राम हो जाएगा भाई, भाई का पिता और इसका ये नाना, यानी हमको पूछा है लड़की का राम से क्या रिश्ता, यानी अपनी माँ का भाई हमारे क्या लगेगा, हमने पिछली कक्षा में बताया था दोस्तों, याद करो, गुड, यानी मामा की ये लड़की क्या लगेगी, यानी अपने खुद की बहन की पुत्री हमारे क्या लगेगी, गुड, बांधी, यानी इसका आंसर हो जाएगा बांधी, यानी अपनी बहन की पुत्री हमारे बांधी लगेगी। दोस्तों एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। ओके साफ करू, ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अंजलि कहती है वो मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, वो व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार से संबंधित है, यानी अंजलि कहती है वो मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, वो व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान दो, क्या कह रहा है, अंजलि कहती है, यानी ये हो गई हमारी अंजलि, अंजलि कहती है वो मेरी बहन, यानी ये अंजलि, ये हो गई अंजलि की बहन, अंजलि कहती है वो मेरी बहन के भाई, यानी ये भाई के पिता, यानी भाई का पिता, यानी पिता बोल रहे हैं, यानी ऊपर की जनरेशन, ये हो गया भाई का पिता। क्वेश्चन कह रहा है, अंजलि कहती है वो मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र, यानी दोस्तों यार ध्यान रखना है, क्वेश्चन कह रहा है इकलौता पुत्र, यानी इसी के बारे में कह रहा है, अंजलि के बहन का भाई, यानी ये इसका इकलौता पुत्र है। तो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है वो व्यक्ति, यानी ये व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार से संबंधित है, यानी अंजलि से कहाँ की ओर चलना है, यानी अंजलि से कहाँ की ओर चलना है, यानी वो व्यक्ति अंजलि के क्या लगेगा, यानी ये व्यक्ति है जो अंजलि के क्या लगेगा दोस्तों, यानी ये व्यक्ति अंजलि का भाई लगेगा, यानी हमारे पास ऑप्शन देने का चाचा, यानी चाचा नहीं होगा डायग्राम के अकॉर्डिंग,
आगे कह रहा है चचेरा भाई, चचेरा भाई भी नहीं कह सकते, क्या कह रहा है अंजलि, अंजलि की बहन, यानी स्वयं की बहन का भाई भी हमारे भाई लगेगा, यानी चचेरा भाई भी नहीं। आगे कह रहा पिता, पिता तो हो ही भी नहीं सकता क्योंकि ये सेम जनरेशन में दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे दे रखा है भाई, यानी हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि अंजलि कहती है कि वो मेरे बहन का भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी वही पुत्र है जो इकलौता पुत्र है, वो उसकी बहन का भाई है, यानी अंजलि का भी भाई लगेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा भाई। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अच्छे से समझना है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करना है तो सारे क्वेश्चन दोस्तों चुटकियों में हल हो जाएंगे। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अच्छे से समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए दोस्तों। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, यह मेरे दादा का इकलौता नाती है, उस लड़के का मीना से क्या संबंध है। दोस्तों क्या कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, यानी ये कोई लड़का, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, यानी ये हो गई हमारी मीना। मीना कहती है वो मेरे दादा, यानी ये लड़का है जो मेरे दादा, यानी ये मीना, मीना का पिता, यानी ऊपर की जनरेशन की तरफ प्रदर्शित करते हैं, ये इसका पिता, ये इसका पिता हो जाएगा मीना का दादा, यानी ये हो गया मीना का दादा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि मीना का दादा है, यानी एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, यानी ये हो गया लड़का, लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा वो मेरे दादा का इकलौता नाती है, यानी मीना का पिता, पिता का पिता हो गया मीना का दादा, यानी दादा का इकलौता नाती है, यानी नाती हमेशा अपने पुत्री का पुत्र हमेशा नाती होता है, यानी ये दादा, दादा का पुत्र मीना का पिता, पिता की बहन, यानी मीना के पिता की बहन है कोई, ये हो गई महिला, उसका पुत्र यानी मीना के दादा का नाती लगेगा, यानी ये लड़का है जो मीना के दादा का इकलौता नाती है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है उस लड़के का मीना से क्या संबंध है, यानी इस लड़के का पूछ रहा है, यानी ये लड़का मीना के क्या लगेगा, क्या लगेगा। हमेशा दोस्तों क्या से क्वेश्चन करो, यानी क्या लगेगा, यानी ये लड़का मीना के क्या लगेगा। ऑप्शन देखो, ब्रदर, दोस्तों ब्रदर तो हम कह नहीं सकते क्योंकि अपने खुद के पिता की बहन का पुत्र हमेशा, यानी हमारे बुआ का लड़का हमारे क्या लगेगा, बुआ का लड़का भाई लगेगा, लेकिन ब्रदर हम कह नहीं सकते। आगे भी क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है, चचेरा भाई यानी कजन ब्रदर, हम इंग्लिश में उसके लिए कजन ब्रदर यानी कजन ब्रदर कह सकते हैं, यानी चचेरा हो चाहे फूफेरा हो चाहे ममेरा हो, उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कजन ब्रदर, यानी कजन ब्रदर। एक बार इसे छोड़ते हैं, अगला देखते हैं ऑप्शन, चाचा यानी अंकल, अंकल नहीं होगा क्यों, क्योंकि अपने पिता की बहन का पुत्र हमेशा भाई लगता है, अंकल तो हो ही नहीं सकता, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो कह ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन दे रखा है कि कजन ब्रदर, यानी इंग्लिश में वर्ड यूज ले सकते हैं मामा, ममेरा भाई या चाहे फूफेरा भाई चाहे मौसेरा भाई, उनके लिए हम कजन ब्रदर प्रयोग करते हैं, यानी अपने खुद के पिता की बहन का पुत्र हमेशा लगेगा ब्रदर, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा कजन ब्रदर या चचेरा भाई, यानी बी ऑप्शन राइट, कजन ब्रदर हो जाएगा। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लो, आज हम हमारी क्लास यही खत्म करते हैं दोस्तों, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे एक विशेष अनुरोध रहेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों
आपका पिछले क्लासों में भी बहुत स्नेह और सहयोग बना रहा, इसी तरह हम आपसे आशा करते हैं कि आगे भी प्यार और स्नेह बना रहे, ताकि हमारा हौसला और भी बुलंद हो और आपके सामने हमारी गुरुकुल की पूरी टीम अच्छा सा अच्छा कंटेंट लेके डेली प्रस्तुत होगी। दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं।